वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। आज हम आपको अपने इस वीडियो में महात्मा गांधी की जीवनी बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था। उनके माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था और यह एक भारतीय थे। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबाई माखन जी कपाड़िया था और इन्हें लोग कस्तूरबा गांधी के नाम से भी जानते थे। गांधी जी की 4 संतानें थीं जिनके नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हो गई थी। महात्मा गांधी भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। सत्याग्रह के जरिए वो अत्याचार के प्रति अग्रणी नेता थे। उनकी इसी सोच की नींव अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी और जिसने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया था और उन्हें दुनिया आज भी महात्मा गांधी के नाम से जानती है। महात्मा का मतलब है महान आत्मा और इस शब्द को संस्कृत में एक समान सूचक शब्द कहते हैं। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले राजवैद्य जीवराम कालिदास ने कहकर संबोधित किया था 1915 में। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने रंगून रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकार के लिए सत्याग्रह करना शुरू किया। 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए थे। भारत आने के बाद गांधी जी ने यहाँ के किसान, मजदूर और शहर के काम करने वालों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया था। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकार, धार्मिक और जातीय के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए और इन सब में विदेशी राज यानी कि जो अंग्रेज हमारे भारत पर शासन किए थे इनसे मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही मुख्य था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। गांधी जी ने हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया था। महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन साबरमती आश्रम में गुजारा और वह भारतीय परंपरा के अनुसार धोती व सूत से बनी हुई शाल पहना करते थे और इसे वह खुद अपने हाथों से चरखे पर बनाया करते थे। दोस्तों यह इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपनी सेकंड वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।